वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन, यस, एंड इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्लैम गैस। और मजे मजे के खाने हमारे साथ होंगी। कौन आज हमारे साथ स्पेशली गेस्ट आई हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और एंटरप्रेन्योर्स वुमेन भी कहलाती हैं, स्किल्स वुमेन भी कहलाती हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करती हैं और खाना तो दबंग बनाती है। यहाँ पर रबिया खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो? आई एम फाइन। और रेसिपी का नाम क्या? चिकन वाइट कढ़ाई और तवा नान। चिकन वाइट कढ़ाई विथ तवा गार्लिक नान। तो पहले आपने गार्लिक भूल गई थी ना, इसलिए मैं भी भूली। लेट्स सी। अच्छा जी, हम लोग पहले हम इंग्रेडिएंट्स बता दें, उसके बाद फिर हम लोग आपसे जब ये थोड़ा जब भूंड होगा ना, गप्पे शप्पे भी लगेंगे। ठीक है जी, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मेरी शहजादी जो है वो बताएगी इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। जी अच्छा, सबसे पहले चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको हम पैन में डालेंगे और इसको हम क्लेरिफाइड बटर या तो फिर घी में बनाएंगे। ऑयल में इसका टेस्ट थोड़ा सा इतना एनहेंस नहीं होता, क्योंकि वाइट चिकन कढ़ाई है तो उसमें सब हम क्रीमी सुपर ज्यादा जज्बाती है, तुमने देसी घी कर सकते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है, तो देखा जाए तो देसी जो घी या मक्खन है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, लेकिन लोग उसकी हीक से क्यों घबराते हैं मुझे नहीं समझ। जैसे